स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम फैंटेसी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेलबर्न रेनेगेड वुमेन्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स के बीच जो ये मैच नंबर 11 बिग बैश वुमेन्स बिग बैश लीग का इस साल का खेला जाएगा। दोस्तों एडिलेड की पिच पे खेला जाएगा और यहाँ की पिच जो है नॉर्मली सेम बॉलर्स को हेल्प करती है थोड़ा बहुत, और साथ ही साथ जो है बहुत हाई स्कोरिंग यहाँ पे मैचेस होते हैं, तो आप ज़रूर जो है बैट्समैन को प्रिफर कर सकते हैं। तो इसकी हम आपको ड्रीम 11 की टीम प्रोवाइड करने वाले हैं इस वीडियो में, तो चलिए मैं आपको सीधा टीम की तरफ ले चलता हूँ। दोस्तों दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस ऐसे हैं कि एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स जो है टेबल टॉपर हैं और इन्होंने दो मैचेस जीते हैं और अर्ली सीजन है तो आप किसी टीम को जज ना करें। मेलबर्न रेनेगेड वुमेन्स जो है इन्होंने पिछला मुकाबला हारा है और छठे पोजीशन पर अभी पॉइंट्स टेबल में है। तो चलिए क्या बैलेंस बना सकते हैं आप टीम में वो मैं आपको बता देता हूँ। तो विकेट कीपर में दो नौ ऑप्शन हैं, आप दोनों में से किसी को भी पिक कर सकते हैं, लेकिन अच्छे ऑप्शन एमा इंग्लिस हैं तो आप इनको ज़रूर लें, जो कि तेगान मैकफिलिन जो है ये दोस्तों 8, 9 या 10 पोजीशन पे खेलने आती है, तो आप ज़रूर जो है एमा इंग्लिस के साथ जा सकते हैं स्मॉल लीग्स में। ग्रैंड लीग्स में आप उनको ट्राई कर सकते हैं। और बैट्समैन की बात की जाए तो टैमी बेमाउंट अच्छे ऑप्शन है जो कि कैप्टन है, इनको आप रखें। और उसमें यहाँ पर जो है ब्रिट पैटरसन तो इनको हमने लिया है, और उसमें यहाँ पर जस डेफिन को हमने लिया है, और उसमें यहाँ पे हमने क्रिस ब्रिट को रखा है जो कि क्रिस ब्रिट को रखा हुआ है, आप इनके साथ जा सकते हैं। और उसमें यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन बचते हैं वो मैं आपको बता दूँ, तबाता सेविल्ले तो इनको आप रख सकते हैं, और उसमें यहाँ पे ओ डोनेल जो थी पिछले मुकाबले में स्क्वाड में थी और इनको ज़्यादा चांसेस लग रहे थे अगले मुकाबला खेलने की, लेकिन इस मैच में अनफॉर्चुनेटली इनको ड्रॉप किया गया स्क्वाड से, और ओनेल को जो इनको भी जो है ड्रॉप किया गया। तो आप ज़रूर जो है यहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा ना ढूंढें, आपको मैं ऑलराउंडर में ऑप्शन दे देता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं, सारे के सारे खेलने वाले हैं, तो अच्छे जो ऑप्शन हैं जो आपको सिर्फ तीन पिक करने होते हैं तो मैं आपको एनालाइज बता देता हूं। तो एनालिसिस इस तरह है कि दोस्तों सुजी बेट्स ने पिछले मुकाबले में सेंचुरी लगाई थी, आप जानते ही हैं, आप अगर लाइव फॉलो कर रहे हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा, बहुत अच्छी टच में लग रही थी और अग्रेसिव प्लेयर हैं, और साथ ही साथ जो है बॉलिंग में भी बहुत अच्छा इनका जो है स्पेल जाता है, तो ज़रूर जो है आप इनको रख सकते हैं। और सूफी डिवाइन जो कि कंसिस्टेंट हैं और लगातार मैचेस में और बॉल और बैट के साथ, एक मैच में इन्होंने बैटिंग में प्रदर्शन किया और एक मैच में इन्होंने बॉलिंग में डोमिनेशन किया, तो ज़रूर जो है ये भी एक अच्छी पिक है। और दोस्तों थर्ड पिक जो है मैं आपको दो यहाँ पे ऑप्शन दूंगा, दो नहीं तीन आपको मैं ऑप्शन दूंगा, चमारी अटापट्टू और मोलिनिक्स जो कि ओपन करेंगे, और मैकग्राथ थिला मैकग्राथ जो कि वन डाउन बैटिंग करने आएंगी। तीनों में से किसी को भी आप पिक कर सकते हैं, थिला मैकग्राथ के जो है आपको पॉइंट्स ज़्यादा लग रहे हों, लेकिन दोस्तों थिला मैकग्राथ इनका जो है जो फॉर्म है वो धीरे धीरे कम होने लगा है, जो कि इन्होंने फर्स्ट मुकाबले और सेकंड मुकाबले में अच्छा किया, उसके बाद जो है शायद ये फर्स्ट मुकाबले में अच्छा इंप्रेशन किया, उसके बाद इनका थोड़ा डाउन परफॉर्मेंस गया, तो इसलिए मैं यहाँ पे चमारी अटापट्टू के साथ जा रहा हूँ, और बैलेंस भी बनाना था तो इसलिए चमारी अटापट्टू अच्छे ऑप्शन है। आप अगर जाना चाहते हैं तो सूफी मोलिनिक्स के साथ जा सकते हैं जो कि ओपन करेंगी, और चमारी अटापट्टू भी जो है ओपन करेंगी। और उसमें यहाँ पे मैंने ऑलराउंडर में एमी सैटरथवेट के बारे में मैंने बताया, एमी सैटरथवेट जो है पाँचवें छठे पोजीशन पे खेलने आने लगी हैं, ये एज अ कैप्टन अपनी टीम को लीड कर रहे हैं तो इसीलिए इनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो ये मिडिल ऑर्डर में अपने रोल निभा रही हैं और बॉलिंग में भी उतना कुछ डोमिनेट नहीं कर पा रही, तो ज़रूर जो है आप इनको ग्रैंड लीग्स में ट्राई करें, स्मॉल लीग्स में इग्नोर करें। चलिए बॉलर की बात करते हैं तो मैगान स्कट अच्छे ऑप्शन है, और अमेंडा वेलिंगटन जो कि पिछले मुकाबले में इकोनॉमी रेट भी बहुत अच्छा रहा और साथ ही साथ तीन विकेट इन्होंने चटकाए, तो ये अच्छे ऑप्शन है, आप इनको रखिए। उसमें यहाँ पे हमने जो है थर्ड बॉलर मोली स्ट्रैनो को खिलाया है जो कि मेलबर्न रेनेगेड वुमेन की तरफ से है, और उसमें यहाँ पे हमने थोड़ा सैक्रिफाइस जो किया है वो समंता बेट्स को हमने नहीं रखा है, आप अगर जाना चाहते हैं तो समंता बेट्स के साथ जा सकते हैं, ये भी अच्छी ऑप्शन है, सिम जो आप इनको रख सकते हैं। आप यहाँ पर क्रिस ब्रिट को ड्रॉप करते हैं जो कि बैट्समैन में होंगे, आप यहाँ पे क्रिस ब्रिट को ड्रॉप करते हैं तो ज़रूर जो है आप यहाँ पे समंता बेट्स को रख सकते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन रहेंगे। आप यहाँ पे ब्राउन को रख सकते हैं, ये अच्छी ऑप्शन है, डिक को रख सकते हैं, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, और समंता बेट तो अच्छी हैं, तो यहाँ पे जेंसन का भी ऑप्शन आपके पास रहेगा, और दूसरी यहाँ पे ली ताहाहु जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी ये कर सकती हैं, तो इनको भी आप ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन्स को लेके चल रहे हैं तो ज़रूर जो है हम उनके प्लेयर्स को प्रेफर करेंगे। दोस्तों हमने कैप्टन जो है सुजी बेट्स को दे रखा है, और वाइस कैप्टन जो है हमने सूफी डिवाइन को दे रखा है। आप अगर यहाँ पे और ऑप्शन चाहते हैं, दोस्तों मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की एक लॉजिक बता दूं, आप जब भी कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करें, कंसिस्टेंट प्लेयर को सेलेक्ट करें जो कि दो तीन मैचेस से लगातार फॉर्म में लग रहे हों, तो उनको आप जो है कैप्टन और वाइस कैप्टन दें।
यहाँ मैं आपको ऑप्शन दे दूँ, टिमी बेमाउंट, ब्रिजेट पैटरसन, इनको आप दे सकते हैं और जस्ट डफिन को भी आप जो है कैप्टन है वाइस कैप्टन दे सकते हैं स्मॉल लीग्स के लिए, और चमारी अटापट्टू भी अच्छा ऑप्शन है। ग्रैंड लीग्स की बात की जाए तो टिमी बेमाउंट, सॉरी दोस्तों टिमी बेमाउंट ने एम ए सतरवेट आप दे सकते हैं, और तिला मग्रात या तो आप सूफी मेलिनिक्स को लेते हैं तो उनको आप दे सकते हैं, और उसमें मैगान स्कट, एमांडा वेलिंगटन, और दोस्तों यहाँ पे आप अगर जो है समंता बेट्स को इंक्लूड करते हैं तो उनको भी आप जो है कैप्टन और वाइस कैप्टन दे सकते हैं। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा जो कि आपको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये रहेगा प्रीव्यू, अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप इसको अगर ले जाना चाहते हैं तो स्मॉल लीग्स में आप इस टीम को प्लेस कर सकते हैं और अच्छा अमाउंट जो है इस टीम के थ्रू जीत सकते हैं। दोस्तों आप अगर यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेके इसके सेव कर सकते हैं। दोस्तों आपको अगर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई इस वीडियो में और जो टीम प्रोवाइड की गई आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, वहाँ पे प्रोबेबल प्लेइंग इलेवंस और जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी, तो आप ज़रूर जो है डिस्क्रिप्शन पढ़ लें। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।